माना जाता है कि नाम और पॉपुलैरिटी कमाने के लिए टीवी स्टार्स को बॉलीवुड स्टार्स की तरह ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी ये गलती इनकी सालों पुरानी पॉपुलैरिटी पर खतरा बन जाती है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में कई पॉपुलर स्टार्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए टीवी को अलविदा कहा, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी स्टार्स रहे हैं जिनकी गलत चॉइस की वजह से उनका करियर खतरे में आ चुका है। तो आइए आपको बताते हैं ऐसे ही 7 टीवी स्टार्स के बारे में जिन्होंने अपने करियर को खतरे में डाल दिया। नंबर 1, कृतिका कामरा, शो रिपोर्टर। शो कितनी मोहब्बत है से स्टार बनी कृतिका सोनी टीवी के शो रिपोर्टर में रिपोर्टर बनी नजर आई थी। और आपको बता दें कि शो को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे हथकंडे आजमाए गए, लेकिन ये शो कामयाब नहीं हुआ। ऐसे में लगता है कि अपने शो को करियर की गलती ही मानती होंगी कृतिका खुद भी। नंबर 2, हिना खान, शो कसौटी जिंदगी की। हिना खान कसौटी में कोमलिका बनी नजर आ रही हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि शो में उन्हें वो माइलेज मिलता नहीं दिख रहा जिसकी उम्मीद हिना के साथ साथ उनके फैंस ने भी की थी। ऐसे में इस किरदार को लेकर हिना की खूब आलोचना भी हुई और अब ऐसी खबरें हैं कि हिना जल्द शो छोड़ देंगी। तो क्या ये शो साइन करके हिना से भी बहुत बड़ी गलती हुई है? नंबर 3, सनाया ईरानी, शो छन छन। इस प्यार को क्या नाम दूं में खुशी कुमारी गुप्ता का आइकॉनिक किरदार आज भी लोगों को याद है, लेकिन आपको बता दें कि शो के बाद सनाया ने शो छन छन से टीवी पर कमबैक किया। ये किरदार भी कुछ कुछ खुशी कुमारी गुप्ता जैसा ही था, लेकिन इस शो को वो प्यार नहीं मिल सका ऑडियंस का जिसकी शायद सनाया ने कल्पना की हो। नतीजा शो कुछ ही महीनों में बंद हो गया और इसकी वजह से सनाया का शो मीनू मौसी भी बीच में लटक गया। नंबर 4, शिवानी तोमर, शो इस प्यार को क्या नाम दूं 3। शिवानी ने सनाया की जगह लेने की बहुत कोशिश की इस शो में, मगर फैंस ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। उन्हें फैंस से बहुत ताने झेलने पड़े। ऐसे में शिवानी को रियलाइज जरूर हुआ होगा कि इस शो को हामी भर के उनसे भी गलती हुई है। नंबर 5, मोहित सहगल, शो मुझसे कुछ कहती हैं ये खामोशियां। इस शो में आने के बाद मोहित का करियर बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। नंबर 6, सोनालिका भदौरिया, शो पृथ्वी वल्लभ। सोनालिका को हाल ही में शो दास्ताने मोहब्बत सलीम अनारकली में अनारकली के किरदार में देखा गया, लेकिन आपको बता दें कि शायद लोगों को सोनालिका का ऐतिहासिक शो का हिस्सा बनना ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि आपको याद ही हो तो इससे पहले शो पृथ्वी वल्लभ से सोनालिका ने टीवी पर दोबारा अपना कमबैक किया था जिसे फैंस ने बुरी तरह से नकार दिया। ऐसे में इस शो को करने से पहले सोनालिका को सोचना चाहिए था, ये अब वो भी सोचती होंगी। और नंबर 7, तेजस्वी प्रकाश, शो पहरेदार पिया की। एक औरत और बच्चे की शादी की वजह से इस सीरियल पर लोगों का गुस्सा खूब भड़का, नतीजा शो बंद हुआ। हमें लगता है कि शो को साइन करने का अफसोस तेजस्वी को आज भी जरूर होता होगा।